अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में जेपी पावर शेयर अवेलेबल है तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि जेपी पावर में आपको आने वाले नेक्स्ट वीक में Q2 का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और बोनस की भी अपडेट आ चुकी है। आखिर हमको जिस खबर का इंतजार था वो खबर भी आ गई है। अब दोस्तों एक ही समय का इंतजार है हमको कि मार्केट में मंडे को स्टॉक क्या करेगा, क्योंकि दोस्तों आज और कल दो तीन न्यूज़ आ चुकी है इसके ऊपर कि Q2 का रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा, बोनस की भी मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग भी होगी। तीन अपडेट थी, तीनों मैंने आपको कल भी कहा था वीडियो में शाम को, और आज फिर बोल रहा हूँ मैं आपको कि अगले वीक में आपको Q2 का रिजल्ट पब्लिश होते हुए देखने को मिल जाएगा। ये आपके लिए अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में एड है तो मैं तो आपको यहाँ पे यही कहूँगा कि लंबे समय के लिए कंपनी को होल्ड कर लो, लाइक 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि जो हाल आर पावर को हुआ, सुजुलोन को हुआ ना, वही इसी कंपनी में होने वाला है। क्योंकि तो जब अपर सर्किट लगेगा ना, जब रॉकेट बनेगा ना स्टॉक, तो स्टॉक रुकने वाला यहाँ पे नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।